देते जनाब अरुंधति मैगम, जो आपका रैली चल रहा था बीजेपी की तरफ से शाहीन बाग में, जो प्रोटेस्टर थे और जो रैली निकाल रहे थे, उस दरमियान जो गोली चल रही और जो वारदात हुआ उसके बारे में बताएं महाराज। देखिए ये लोग क्या साथ हमारा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इसका साथ साथ हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये लोग दिमाग में तोड़ना का दिमाग जोड़ना का नहीं है, लेकिन हमारा भारत का संस्कृति जोड़ना का है, अहिंसा का है, जतम ततपथ का है। ये लोग जो अभी CAA NRC और MPR लेकर हमारा दिल्ली का शाहीन बाग में अभी धरना चल रहा, कल जामिया यूनिवर्सिटी से एक मिसाइल जोला जाना था, लेकिन उधर एक राम भक्त जैसे नाम गोपाल समथिंग, उन्होंने पुलिस का सामने रिवॉल्वर निकल के उन्होंने कदर शूट कर किया। हम लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या चल रहा हमारे देश में। ये देश तो ये श्री श्री रामकृष्ण देव का है, ये श्री राम का है, ये भगवान गौतम बुद्ध का है, ये गुरु नानक जी का है, ये स्वामी विवेकानंद का है, ये हमारा नजरुल इस्लाम का है, हमारा कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, लेकिन क्या चल रहा हमारा देश में। हमारे देश में तो प्यार मोहब्बत का देश था, यह तोड़ना का, यह नफरत का देश, यह हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से, बीजेपी का तरफ से यह ज़्यादा फैलना। हमारा होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी ने, उन्हें होम मिनिस्टर बनकर जैसा बात कर रहा है, ये उन्होंने अर्थात जैसे उनका पार्टी का एजेंडा गवर्नमेंट के गवर्नमेंट पर लेकर आया, तो ये तो ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग इसका निंदा करता हूँ, इसका हम लोग ये नफरत का, हम लोग हर धर्म का, हर मजहब के तरफ से इसके ऊपर हम लोग का गवर्नमेंट का डिस्ट्रैक्शन कर रहा हो, वो लोग इसका कार्रवाई करिए एवं अगले बार इन फ्यूचर ऐसे काम नहीं होना चाहिए और कोई जोलस में, कोई आंदोलन में, कोई धरना में ऐसे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो पहली हियरिंग हुई और उसके बाद से 4 हफ्ते का वक्त बढ़ा दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं, क्या प्रोटेस्ट में कुछ कमी आएगी? देखिए भाई अभी जो बात है, इधर हमारा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट पोते मजुमदार जी है, हम लोग का बीच बात चल रहा है। देखिए जस्टिस डिलेट, जस्टिस डिनाइट, हम लोग चाहता 22 तारीख को हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने CAA के ऊपर स्टे ऑर्डर देगा, वो स्टे ऑर्डर देना चाहिए था, लेकिन कितना आंदोलन चल रहा, कितना आदमी का अर्थात उनका देहांत हो गया, गोली चल रहा, ये इसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट को, ये हमारा संविधान ने जैसे बोला, बाबा साहेब का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, ये संविधान सेकुलर इंडिया का संविधान है, ये संविधान में कोई धर्म के ऊपर संशोधन आना नहीं चाहिए, इसलिए इसका लेकर हमारा सुप्रीम कोर्ट ने ये दे सकता है, स्टोर दे सकता, लेकिन हम लोग का पता नहीं है किसके ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट चल रहा। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को अर्थात ये हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करूँगा जे ये स्टे ऑर्डर कर दीजिए और ये ऊपर ये संशोधन ये CAA ये आपको बातिल कर दीजिए और हम लोग का जो बायसरा है ये बायसरा हमारा अमन का ये रक्षा कीजिए। सर इस प्रोटेस्ट में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बुजुर्ग औरत भी हैं, बुजुर्ग जेंट्स भी हैं, ठीक है, सभी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। जो कल तक अपने ज़रूरी काम में मशरूफ थे, यानी कि औरतें जिनको घर का काम देखना होता था, आज सभी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है और अपने सारे ज़रूरी काम को छोड़कर आज वो रास्ते पर है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ना देखिए ये तो ये हम लोग का संविधान के ऊपर, हमारा बायसरा के ऊपर जो आघात आया, तो हम लोग ये प्रोटेस्ट करना पड़ेगा ही। ये अर्थात पहले हमारा बंगाल में पाक शाखा में हुआ, इसके बाद मीठेपुर में हुआ, बेलगासिया में हुआ, अभी हम लोग देख रहे हैं इधर मीठेपुर, अर्थात इधर मीठेपुर में हुआ, बेलगासिया में भी है, किदीपुर में भी है और हर हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा, और हमारा नॉट ओनली इन बंगाल, दिल्ली में तो हुआ, शाहीन बाग है, इसके साथ साथ हमारा केरल से लेकर, पंजाब से लेकर, UP से लेकर, आपका MP से लेकर, बिहार से लेकर, हर स्टेट में हो रहा, इसे ये प्रोटेस्ट हम लोग का करना पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान के ऊपर आघात आया, ये हम लोग का सेकुलर इंडिया के ऊपर आघात आया। तो हम लोग का माँ बहन जो है, हम लोग इधर सोना से लेकर, बुजुर्ग आदमी से लेकर, यह हर धर्म गुरु का लेकर, ये कोई एक मजहब का नहीं है, कोई मुस्लिम मजहब का नहीं है, ये हर धर्म गुरु का लेकर हम लोग ये प्रोटेस्ट में हम लोग एक साथ में है, एक साथ में था और हम लोग आगे भी एक साथ में रहूँगा, और CAA और NRC और NPR में जो हम लोग का मुस्लिम का खिलाफ है, जो सेकुलर इंडिया का खिलाफ है, इसके ऊपर हम लोग का ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट हम लोग का जारी रहेगा। सर जो हिंदुस्तान की संस्कृति है,
यानी कि जो भाईचारा है सबों के बीच में, हर जात धर्म के बीच में। आज इस एक्ट के आने के बाद क्या हिंदुस्तान का नाम दूसरी ममालिक में भी ख़राब हो रहा है वर्ल्ड वाइड में, आप इस बात को मानते हैं? ये तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के आस्था से पता है, क्योंकि जब ये CAA लेकर NRC लेकर ये दिक्कत हुआ हमारा इंडिया में, तब हमारा पहले हमारा जापान का अर्थात प्राइम मिनिस्टर उनका इंडिया अर्थात टूर बात कैंसिल कर दिया। इसका बाद हमारा बांग्लादेश का हमारा नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश का होम मिनिस्टर ने उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इसका ऊपर तो लेकर आप जैसे हमारे हिंदुस्तान का एक जोलोस, एक बायसरा का जोलोस, एक अहिंसा का जोलोस, एक हम लोग बोलते हैं वसुदेव कुटुंबकम, ये संस्कृति बाहर देश में इसका ऊपर, ये देव ऋषि का देश था, राष्ट्र था, इसका ऊपर आज पाकिस्तान, आज आपका अमेरिका से लेकर यूरोप का हर हर कंट्री से लेकर आप हर स्टेट में हर अंतर्राष्ट्रीय कंट्री से हम लोग का ऊपर एक उनका एक नफरत फायदा हो रहा है। तो यह तो आशा बात नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को और भी आशा से सोचना पड़ेगा। और ये जो हम लोग का बायसरा, ये जो हम लोग का इकट्ठा होने का, इकट्ठा रहने का जो तरीका हम लोग का बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में दिया था, ये हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा आदरणीय मोदी जी को और भी शांत दिमाग से इसको सोचना पड़ेगा और ये CAA को वापस लेना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, अभी आप सुन रहे थे अरुण द्वितीय बीको महाराज को, जो गार्डन रीच में CAA NRC के ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ से मीडिया के साथ खिताब कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेशनल डेली तासीर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।